का सगा बेटा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं शाहजेब हूँ और वो सुहेब है। थैंक यू, वेलकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी, अभी शाम के 6 बज रहे हैं, अभी हमने चाय बनाई है, चाय पी है, लेकिन चाय वाले बर्तन अभी हमारे पड़े हैं। तो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मेरी तबीयत भी कुछ बता है। जैसे आप लोगों को पता है, कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने दवाई ली है, खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी जो है ना, मैं आप लोगों को बर्तन दिखा देती हूँ। अभी मैंने बर्तन जो है खुरे में रख दिए हैं, ये जी पड़े हैं बर्तन धोने वाले। मैंने कहा है सबसे पहले ना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, तो इतना ज़्यादा टाइम तो अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बादल बने हुए हैं ना, बादल दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखें, बादल जो है ना ग्यारह ग्यारह बने हुए हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक वैसे ऐसे मौसम ठंडा ठंडा रखे, लेकिन बारिश वगैरह ना दे। तो जी बहन भाइयों, आज है ना हमारा व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आप सब बहन भैया ने साथ रहना है। तो सबसे पहले ना मैं कुर्सी लेके आती हूँ। कुर्सी जो है मैं बाहर ले आई हूँ। वैसे तो पहले ना गर्मियों में हम चार पाया दो दो तीन तीन निकालते थे, लेकिन अभी जो है ना ये कुर्सियों का बहुत फायदा हो चुका है, क्योंकि हम जब ये कुर्सी बाहर निकाल लेते हैं ना, तो बच्चे सुकून से बैठ जाते हैं। तो ये जी मेरा नवाब भी बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप सब की दुआओं से। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है, तो आप सब लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, आपको बहुत ही मजा आएगा। आप खुश नहीं हो आप? मैं खुश क्यों, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो जी आज भी बहुत ज्यादा खुश है। तो अभी जी बस इंतजार की घड़ियां खत्म। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ना मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और साथ वहेब भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आज जो है ना मेरा बड़ा बेटा वीडियो में आ गया है। तो ये इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों से सलाम दुआ भी करेगा, ये आप सब बहन भाइयों की फरमाइश पे मेरा बेटा आया है। तो लेकिन कुछ मेरे बहन भाई ये भी कहते थे कि आपका बेटा वीडियो में नहीं बोलता, तो आज ही आप सब बहन भाई साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब है, और ये मेरी अम्मी जान है, जुहेब मेरा छोटा भाई है। दोस्तों, आप बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि शाहजेब वीडियो में क्यों नहीं आता, तो इसीलिए स्पेशल आज मेरी अम्मी मुझे रहे हैं ये वीडियो में। मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, आईसीएस का जो है ना मैं स्टूडेंट हूँ, और मैंने कुछ दिनों बाद जो है मेरे पेपर हैं, तो आप सबने मेरे लिए दुआ करने के अल्लाह ताला मुझे कामयाब करें। हाँ जी, तो अभी जो है ना मेरे बेटे ने आपसे सलाम दुआ कर ली है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शर्माता है, तो आज भी बड़ी मुश्किल से आया है। तो ये अपने काम से काम रखता है, जैसा आपको पता है कि ये पढ़ाई में होता है, तो फिर काम वगैरह इसके बहुत सारे जो है ना ऐसे होते हैं जो ये करता रहता है। लेकिन कुछ मेरे बहन भाई ये भी कहते थे कि ये आपका सुतेला बेटा है, शाहजेब उसे बनता है। नहीं जी, मैं इनका सगा बेटा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं शाहजेब हूँ और वो सुहेब है। हाँ, तो ये जी मेरा सक्का बेटा है, और साथ मेरा बड़ा बेटा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब बहन भाइयों ने मेरे बेटे के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, जो मेरे बेटे की दिली मुरादें हैं, दिली ख्वाहिशें हैं, वो अल्लाह पाक पूरी कर दे, आमीन। तो बहन भाइयों, आज तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे बड़े भाई जान मारे शाहजेब साहब आज ये बोल जो पड़े हैं, तो अम्मी जान तो मुझे बोलने नहीं दे रही। नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा मेरे साथ शुरू में होता है ना जी। तो बस मेरे बड़े भाई आज बोला है, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी है। चलो इंशाल्लाह, ये अभी अम्मी हमारे साथ आते रहेंगे, आपके साथ जो है रोजाना इनका जो है तारुफ कराते रहेंगे, सलाम दुआ कराते रहेंगे, आप टेंशन ना लें। बाकी आप सबकी फरमाइश थी, तो हम फरमाइश पूरी ना करें ये तो हो नहीं सकता। बाकी थैंक यू, वेलकम। तो बस ये तो सच बात है कि मेरा बड़ा भाई बोलता है, और ये आज वीडियो में बोल भी पड़ा है आप सबको यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कभी कोई कहते हैं कि ये जो है गूंगा है, कोई कहता है बैर है, कोई कहते हैं सुतेला है, तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ये हमारे बड़े भाई जान है, ठीक है। कोई भी अगर आपको सवाल इनसे पूछना आप तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो मेरा बड़ा बेटा ना, ये माशाल्लाह बहुत ही समझदार है, और अल्लाह पाक इसको ना जहन और भी दे। जुहेब भी किसी से कम नहीं है, ये ना हो कि जुहेब कहे बड़े बेटे की तारीफ कर रही हो। नहीं नहीं, करें करें, आज वो पहली बार वीडियो में आया तो उसकी तारीफ तो होनी है। तो जुहेब को तो आप लोगों ने देखा है, तो मेरा बड़ा बेटा बहुत ज्यादा समझदार भी है माशाल्लाह, तो इसने चैनल भी हमारा संभाला हुआ है। तो जैसा आपको पता है, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे ना वीडियो में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी गलती कर जाती हूँ, जो मेरे बहन भाई भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो फिर भी आप बहन भाइयों का बहुत शुक्रिया।
लेकिन वीडियो में भी गलती होती है और जी उर्दू भी ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती क्योंकि उर्दू ज़्यादा हम तो सराकी लोग हैं ना, तो उर्दू थोड़ा बोलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए ये चैनल बनाया है, तो मैंने कहा मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकूँ, अच्छा लिखा सकूँ, मेरे बच्चे कुछ बन जाएँ, मेरी वजह से मेरे बच्चे कुछ बन जाएँ। लेकिन मैं कहीं पर काम करने के लिए जाती, कहीं पर जाती, फैक्ट्री में काम करती, तो ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं अपने बच्चों को घर छोड़ के जाती, फिर मैं आती कब, किस वक्त आती, क्या, वो तो आप सब बहन भी जानते हैं कि वो कितनी मुश्किल होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, तो चैनल जो है मेरा बेटा माशाल्लाह इससे ने संभाला हुआ है। लेकिन मैं आप सब बहन भाइयों के जब कॉमेंट हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन एक बात और भी आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करती जाऊँ, हम दोनों मियाँ भी, मेरा शोहर जैसा आपको पता है मेहनत मजदूरी करता है, तो हम मेहनत मजदूरी, उसकी मेहनत मजदूरी और मेरा ये चैनल की कमाई, हम दोनों मिला के अपने बच्चों को, अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं। तो आप सब बहन भाइयों ने मेरे बेटों के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। अम्मी जी ने हमारी जो है फरमाइश भी पूरी की है और करती है, और अपने चैनल की जो रेवेन्यू है उसमें से हमें मुझे एक कंप्यूटर भी लेके दिया है, और हम मेरी और मेरे छोटे भाई की जो पढ़ाई का जितना भी खर्चा होता है वो भी अम्मी ही उठाती हैं। तो आप सब हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम दोनों भाई जो है ना एक पढ़ के एक दिन अपने माँ बाप का सहारा बने। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। आप जुहेब और अम्मी जो है अभी लोग बनाएंगे, बहुत शुक्रिया। अब ये हल्फ लेके जा रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे वीडियो में आते रहेंगे। ये तो आज जवाब बन गया। तो जी मैं जो है ना अभी बर्तन धो लेती हूँ क्योंकि टाइम जो है ना हमें काफ़ी हो गया है, काम तो इंशाल्लाह ये कटिंग जो है ना कम से ये ऊपर से घूम रही है, किसी ने बच्चे दिए हुए हैं ना तो बहुत ज़्यादा तंग भी करती है, शोर बहुत ज़्यादा करती है। मैं बर्तन धो लूँ। सबसे पहले ना मैंने बनाया था भिंडी का सालन, तो उसको ना पतीले को मैंने कमरे में रखा हुआ, ये ना कि सालन ख़राब हो जाए। आज लाइट नहीं थी सुबह से लेके अब तक, मेरे ख्याल में अभी भी लाइट नहीं आई। हाँ जी, मैंने कहा मुझे याद आ गया सालन ख़राब हो जाता, तो ये चाय बनाई थी तो पत्ती भी नीचे गिरी हुई है, ये भी खानी पड़ेगी। हाँ, तो ये हमने आज बनाया था भिंडी का सालन, तो भिंडी गोश्त बनाया था, कभी कभी भूल जाती हूँ ना थोड़ा, तो ये ध्यान पहले बर्तन धो लेते हैं। हाँ जी, तो मेरे सब बहन भाइयों ने ये भी मुझे लाजमी बताना है कि वीडियो में मैं अपने बड़े बेटे को ले के आया करूँ कि ना ले के आया करूँ, ये भी बताना है। और बात ये भी बतानी है कि बड़ा बेटा मेरा आपसे सलाम दा करके कैसे लगा है, ये भी आप हमारे बहन भाई हो, जो भी हमारी बात होती है हम आप सब बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं, आप हमारी फैमिली हो। हाँ जी, तो बर्तन जो है ना हमारे धुल चुके हैं, जुहेब जो है ना अपने स्कूल का काम कर रहा है, लेकिन पूरा बाज ऊपर रख के सो के काम लिखता है। तो बहन भाई आपने कमेंट करने हैं जुहेब ऐसे पीछे सीधा हो के बैठ के काम लिखे, पता नहीं इससे के साथ क्या मसला है। क्यों, मैं थोड़ा सुकून से बैठ के लिखता हूँ ना। अच्छा, सुकून, इस तरह सुकून मिलता है आपको जी। हाँ जी, तो अभी जो है अंधेरा भी होने वाला है, थोड़ा बाहर चलती हूँ, आप लोगों को बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। लेकिन आज जी हमारा सालन तो पड़ा है, आटा गूंथूंगी फिर रोटी बनाऊंगी, तो बस वो यही हमारा काम होगा। तो अभी जो है ना बाहर चल के ना आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। बादल शादल भी गहरे बन चुके हैं, पता नहीं बारिश का इम्कान है कि क्या। हाँ जी, तो अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो बाहर का ना इस साइड पे ना बहुत ज़्यादा बादल बन चुके हैं, अभी आप लोगों को ना बादल दिखाती हूँ। तो ये देखे ना इस साइड पे ऐसे लगता है कि बारिश आ रही है, लेकिन गहरे बहुत ज़्यादा बादल बन चुके हैं। तो इधर जो है ना फसल भी मेरे ख्याल में नई फसल की तैयारी हो रही है, ट्रैक्टर हल मार रही है ज़मीनों में, नई फसल की तैयारी हो रही है। तो बच्चे वगैरह जो है ना इधर बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, तो अभी भी चलते हैं घर। लेकिन शाम का वक्त है ना, तो शाम के वक्त बहुत सारे बच्चे बाहर खेलते हैं, बड़े छोटे बाहर खेलते चलते रहते हैं ना, तो हम भी कभी कभी इधर बैठ जाते हैं चारपाई निकाल के, तो इस तरह कभी जो है ना बाहर कुर्सियाँ वगैरह डाल के बैठ जाते हैं। अभी जी मेरे शोहर भी आ गया है, तकरीबन पूरा व्लॉग बन चुका है, तो ये अभी अभी आ गए हैं, ये नींद से अभी उठ के आए हैं। आज शुक्र है किताब में इसने उठा लेना। नहीं,
ये आप तो घर पे नहीं होते ना, तो ये डेली पढ़ता है, बहन भाइयों को भी पता है। हिम्मत लगा के पढ़ो। वो किताबें ठीक थी जो कल ले आए? हाँ वो बहन चेक किए थे सारे, पढ़ा भी रहे हैं, उसका पढ़ा भी रहे हैं, सारी चेक किए हैं, गुड़दा है, जबरदस्त है। ऐसे बताना, ऐसे आके बंद करके बताते हैं। ज्यादातर ना जो है आंखें, जो भी बात करता है ना आंखें भी बंद कर लेता है, जब खाना खाता है फिर भी ये आंखें बंद कर लेता है, पता नहीं इसके साथ क्या मसला है। आदत बन गई ना। आदत बन गई। जान हो रही है, नमाज भी पढ़ो, ये भी पढ़ता हूँ, काम पे भी जाना है, मगरब की जान हो रही है बहन भाइयों।